किस्त पे अगर मोबाइल लेने की सोच रहे हैं, या कोई भी गैजेट हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, मतलब कि ऑनलाइन अगर सामान लेना है आपको, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, MI.com हो गया, Jabong.com हो गया, मतलब जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ से ऑनलाइन अगर सामान लेना चाहते हैं किस्त पे, तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि लोगों के पास कभी कभी पैसा रहते हुए भी वो सामान नहीं खरीद पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल है, 15,000-20,000 का मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो ऑनलाइन देखे रेट सस्ता है, ऑफर बढ़िया हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, खरीदना चाहते हैं, जानते हैं एक महीने बाद पैसा आ जाएगी, लेकिन उनके पास जो है एट द टाइम पैसा नहीं रहता है, तो ऐसे में सोचते हैं कि उनको किस्त पे सामान मिल जाए। लेकिन भैया किस्त पे सामान लेने के लिए तो जरूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की। ऐसे में ना आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ना आपके पास इतना पैसा है कि आप सामान खरीद सकते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन एक ही चीज़ रहता है कि आप EMI बेस ले विदाउट क्रेडिट कार्ड। ऐसे में दोस्तों कैसे होगा, कौन देगा, क्या प्रोसेस होगा, कितना अमाउंट तक का ले सकते हैं, सारी बातें, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे में वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अज इन्फॉर्मर। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। अब मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिया, मैं उसका एक्सपीरियंस देखा। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि यार किस्त पे लेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ये जब इतना टाइम हो जाता है तो ऐसे में जो बताऊंगा सॉलिड बताऊंगा, कितना बेनिफिट फ्यूचर में भी आपको मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ जिस कंपनी के बारे में मैं जो इसका इस्तेमाल किया और ये क्यों किया। आप देखते होइएगा, बराबर देखते होइए, ये स्मार्टफोन है, मैंने लिया था, MI का लिया था, तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था। उस समय में पैसा था लेकिन मुझे टेस्टिंग करना था, तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने अप्लाई किया। अप्लाई किस पे किया? जेस्ट मनी पे। एक्चुअली जेस्ट मनी जो है आपको पहले तो था EMI बेस्ड भी देता था, अब तो पर्सनल लोन भी भैया देता है। तो मैंने क्या किया, मैं अप्लाई किया। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है पहले जान लीजिए। सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, आप अपने मोबाइल नंबर से क्रिएट कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसी मोबाइल नंबर से क्रिएट कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में होगा। दूसरी बात कि आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट सारा कुछ होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सो जान लीजिए EMI पर सामान लेने के लिए। आपको डॉक्यूमेंट लग सकता है आपके बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक का स्टेटमेंट होगा। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं दोस्तों कि पासबुक जो होता है ना, पासबुक का प्रिंट आउट कर लेते हैं, वो कर नहीं, बैंक का स्टेटमेंट लीजिएगा। बैंक का स्टेटमेंट को PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कुछ लोग ज़्यादा सातिर बनते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि दोस्तों कंपनी मैनुअली वेरिफिकेशन देखता है, क्योंकि भैया आपको पैसा दे रहा है। आज की डेट में ना 1 रुपया भी फ्री में कोई नहीं देता है, वो आपको एडवांस पे पैसा दे रहा है। ऊपर से इसका जो प्लान है 3 महीने पे जो है, आप अगर लेते हैं 3 महीने में किस्त चुका देते हैं, तो आपको 0 बैलेंस, मतलब एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब एक तरह से समझिए यार, कोई आपका अननोन आदमी है जिसको आप नहीं जानते हैं, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है, फिर भी आपको 3 महीने के लिए पूरा अमाउंट देता है, उसके एवज में कुछ नहीं लेता है। कुछ नहीं, सपोजर की 30,000 का आपने सामान लिया और 3 महीने में 10,000 करके चुका दिया, आपने क्या दिया उसको? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो दिया, 3 महीने रखा ना। तो ऐसे में पहले वो तो आश्वस्त हो जाए, कंप्लीट जो है मतलब ट्रस्ट करे आप पे, इसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बैंक का स्टेटमेंट जो होगा, जिस पे आपको रेगुलर पेमेंट आता होगा, जिस पे मान लीजिए सैलरी आता होगा या आपका पैसे का लेन देन करते होंगे, उस बैंक का स्टेटमेंट दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, सारा कुछ देखने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन के बाद, उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सब कुछ विश्वास हो जाएगा कि आपका पैन नंबर सही है, आधार कार्ड सही है, इसका स्टेटमेंट सही है। इसके बाद एक और चीज़ जारी होगा, वो होगा दोस्तों NACH। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वीडियो सभी लोगों ने पसंद भी किया, वो लोग को पसंद आ रहा है, इसलिए वो वीडियो का व्यू बढ़ भी रहा है। तो ऐसे में नहीं जानते NACH क्या होता है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी मेरा, बहुत बढ़िया से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों NACH वेरिफिकेशन करवाना होगा। जिस दिन NACH वेरिफिकेशन हो गया, उस दिन जो है वो एक तरह से ये एक डॉक्यूमेंट होगा कि कल के डेट में आप पैसा नहीं देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा लेने की पावर रखता है, उसके पास कंप्लीट प्रूफ मिल जाता है। तो वेरिफिकेशन के बाद आपको लोन अमाउंट हो जाएगा, और इसके बाद जब आपका क्रेडिट वहां पे हो जाएगा, आपके डैशबोर्ड में इतना अमाउंट हो जाएगा जितना आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होगा, उसी के आधार पे जेस्ट मनी वाले वो जो है आपका क्रेडिट अमाउंट कितना होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, 50,000 होगा, कितना होगा, ये सब उसमें भर देंगे। हो गया, जब क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, इसके बाद आपके पास भैया ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जितने भी इसके वेबसाइट पे लिस्टेड जो कंपनियां हैं, जैसे Amazon, Flipkart, Jabong, MI.com, डिफरेंट डिफरेंट है, आप लोग जानते होइएगा, तो
इस वेबसाइट पे जाकर के उसके लिए कूपन कोड हो गया या जो भी जिस मोड में पेमेंट लेता है, गिफ्ट कार्ड में हो गया या गिफ्ट बैलेंस में हो गया, जैसे भी लेना है वो आप इशू कीजिएगा। इशू करने के बाद जो है आपको ये अमाउंट का, सपोज डेट मैंने लिया था 15,000 का मोबाइल लिया, अब 15,000 रुपया में मेरे पास उस समय, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस समय था लेकिन मैंने जो टेस्टिंग किया था, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 15,000 का जैसे ही आपका हो गया, आप वाउचर बना लिए, तो 15,000 का वो किस्त में हो जाएगा कि जैसे 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, सभी मैं टेस्ट करके देखा था, 6 मंथ का मैंने टेस्ट किया था, उस समय 6 मंथ वाले पे भी 0% जो है इंटरेस्ट लगता था, EMI एकदम बराबर था, बराबर भाग में डिवाइड कर दिया गया था, तो मैंने वो ट्राई कर लिया था। तो यहाँ पे आपको भी जो EMI में पेमेंट देना होगा, लेकिन सोचिए सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है, सपोज 15,000 के 6 महीने पे करते हैं, 2,500 रुपये महीना होता है, ठीक। अब अगर 2,000 रुपये महीना अगर आप देते, मतलब जो भी EMI अमाउंट होता है वो अमाउंट तो आपको 1 महीने बाद देना है, लेकिन प्रोडक्ट अभी मिल गया ना, ये बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। आपको यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये सब तो हो गए भैया, अब आपको एक और फायदा बताता हूँ जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो फायदा ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया सिविल स्कोर कैसे बनाएं। सिविल स्कोर जो होता है आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्यूचर में आप भी किसी भी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, किसी से लोन लेना चाहते हैं, कोई भी किसी टाइप का जो है, पर्सनल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, किसी भी टाइप का अगर लेना चाहते हैं, तो भैया वहाँ पर सिविल स्कोर देखा जाता है। और सिविल स्कोर बनाने में ये आपका जो है EMI बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, जैसे ही EMI बेस्ड आप प्रोडक्ट लेते हैं तो एक तरह से आपने लोन लिया, और लोन लिया उसके एवज में आप टाइम टू टाइम EMI पे कर रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा ना, और जब बढ़ा तो आपको दोनों फायदा हो गया। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड के बिना भी EMI पे प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे मोबाइल लीजिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लीजिए या ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, जो सामान मंगवाना है उतना का तो आपको वाउचर मिल जाएगा, सामान ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हो गया क्या कि अगर जस्ट मैन के थ्रू करते हैं या किसी भी टाइप का पर्सनल लोन लेते हैं तो उस समय सिविल स्कोर की जरूरत होगी, सिविल स्कोर बढ़ गया। तीसरा बेनिफिट दोस्तों, जस्ट मनी एक और चीज़ देना शुरू कर दिया जो कि पहले नहीं था, रिसेंट में ही मैंने देखा डैशबोर्ड में, तो यह है कि अब आपको पर्सनल लोन भी देगा। पर्सनल लोन आपके जो क्रेडिट स्कोर रहेगा उसके अनुसार से पर्सनल लोन का लिमिट तय होगा, आपको 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, कितना देगा वो लिमिट तय हो जाएगा, उसके अनुसार आप EMI मतलब किस्त में पैसा देते रहिए, आपको लोन भी दे देगा। तो अब तो आप समझ गए ना, अगर आपको सच में अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को जितने आपके सर्किल में लोग हैं उनको शेयर करके ये नॉलेज दीजिए, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं है फिर भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सामान खरीद सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।